ये गाड़ी हम चलाने वाले स्पीड टेस्ट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, ही जो है क्या स्पीड पकड़ती है क्या नहीं पकड़ती, मीटर में कितना बता सब जो हम चेक करने वाले हैं। 48 तक गया है यहाँ पे मामला, गूगल मैप में कितनी स्पीड आ रही है वो आप मैं साइड में लगा दूंगा। एकदम से झटका सा फील हुआ और गाड़ी जो है पुश हुआ है आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल सोल बाइकर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ है बिगोस की C12 IMAX। जी हाँ, C12 IMAX जो है मैं चला रहा हूँ और इसका हम जो है स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। और अगर वेट की बात करूँ तो लोड की बात की जाए तो मेरा जो वेट है 75 kg का है। 1.5 किलो का ट्राइपॉड है, कुछ 2 किलो का और एक बैग है मेरे पास जो कि मैं आपको परछाई में दिखा सकता हूँ, तो शोल्डर बैग है मेरे पास। बाकी दोस्तों ये गाड़ी हम चलाने वाले स्पीड टेस्ट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, ही जो है क्या स्पीड पकड़ती है क्या नहीं पकड़ती, मीटर में कितना बता सब जो हम चेक करने वाले हैं। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों इसकी मोटर के बारे में। जी हाँ, अगर हम स्पीड की बात करें पहले मोटर की बात करते हैं। इसकी जो मोटर आती है 1500 वाट की कंटिन्यूस पावर के साथ आती है और अगर पीक पावर की अगर हम बात करें तो पीक पावर ये निकालती है 2500 वाट का। जी हाँ, C12 IMAX की मोटर है और ये जो है IP67 रेटिंग के साथ आती है। बाकी बैटरी जो है इसके अंदर 3.2 किलोवाट आवर की लगी हुई है जो कि हो जाता है 60V 55A की। तो दोस्तों शुरू करते हैं स्पीड टेस्ट को। तो दोस्तों गूगल मैप मैंने लगा दिया है और जो गूगल मैप है उसको हम ऑन कर देते हैं। तो ऑन करके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग जो है ऑन रहे। तो आगे मैंने रख दिया है, आगे बॉटल होल्डर है, 1 लीटर की बॉटल आ जाती है उसके अंदर। और स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इको मोड में चलाते हैं। तो पावर फिगर मैंने आपको बता ही दिया है, तो उठाते हैं गाड़ी को और भैया उठा दिया है और एक्सेलरेशन डिसेंट है इसका। 0 to 40 लगभग जो है 8 सेकंड में आसपास में कर लेती है और 48 तक गया है यहाँ पे मामला, 47 वापस आ गया है, 46 पे आ गया है। जी हाँ, 46 यहाँ पे दिखा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको देखने को मिल रही है। और ये जो स्पीड है ना, आपको मतलब जब तक 10 किलोमीटर रेंज बचेगी ना इसके अंदर तब तक बताएगा। अभी जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो 117 किलोमीटर दिखा रहा है। बैटरी जो है 100% चार्ज है, लगभग 98% मान लो आप घर से यहीं पे आया हूँ, बस मैं 2 किलोमीटर आया हूँ। तो भैया 46 की स्पीड आपको देखने को मिल रही है इको मोड में, 45-46। तो अगर आप दो लोग बैठ जाओगे तो 45 जो है ये आ जाएगी। बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की, स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं दोस्तों। गूगल मैप में कितनी स्पीड आ रही है वो आप मैं साइड में लगा दूंगा, तो वो आप जो है चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएगा आपको इसकी इको मोड की स्पीड जो है कैसी लगी। इको मोड में रेंज टेस्ट भी जो है आने वाला है वीडियो पे, मतलब चैनल पे आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसके वीडियोस जो है आपको सारे के सारे देखने को मिल सकें। बाकी अगर आप इस गाड़ी के ओनर हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस जो भी है आपका, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो भैया इससे आगे जो है स्पीड नहीं जा रही है, स्पोर्ट्स मोड लगा देते हैं। गूगल मैप की स्पीड जो है आपको साइड में दिख रही होगी, तो स्पोर्ट्स मोड लगा दिया है। एकदम से झटका सा फील हुआ और गाड़ी जो है पुश हुआ है आगे। तो भैया यहाँ पर देखें, हम स्पीड देखा जाए तो 60 किलोमीटर 61 किलोमीटर 62 63 किलोमीटर पर आवर 64 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये मामला पहुँच गया है और 63 पे आ गया है। इसमें ये देखा मैंने, थोड़ा सा आगे जाता है फिर वापस जो है पीछे आता है स्पीड, तो 62 पे आ गया है, 62 किलोमीटर पर आवर। तो पिकअप जो है 65 तक ले लेता है, बाद में वापस जो है 62 पे आ जाता है। तो इसकी जो स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर की है। जी हाँ, 62 किलोमीटर पर आवर जो है मीटर में दिखा रहा है, गूगल मैप कितना दिखा रहा है आप मुझे कमेंट करके भी शेयर कर सकते हैं। और आपको इसकी स्पीड जो है कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और जल्दी इसके वॉकराउंड वीडियो, रिव्यू वीडियो, रेंज टेस्ट वीडियो भी आ जाएंगे, तो उसके लिए यार सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट कीजिए, इसकी जो एक्यूरेसी है वो आपको कैसी लग रही है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो भैया स्पोर्ट्स मोड में इतनी ही जा रही है। और कोई सवाल है आपका बिगोस C12 IMAX के बारे में तो कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट जो है मिलते रहें। बाकी वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करते हैं। और C12 IMAX का जो स्पीड टेस्ट है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया दोस्तों ये जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों फिर से किसी नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।